आप में से काफी लोग स्नैपचैट यूज करते होंगे अपने फोटोज या फिर अपने वीडियोस क्लिक करने के लिए लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्नैपचैट से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं मंथली या करोड़ों ईयरली कर सकते हो तो जी हाँ ये सच है ये एक फीचर से आप ऐसा कर सकते हो तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप स्नैपचैट से कैसे अर्निंग कर सकते हो तो हाई हाँ टेक्निकल वीडियो वीडियो को इतना सब स्किप मत करना बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और अगर आप स्नैपचैट यूज करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है तो आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बट वीडियो

जो स्नैपचैट है इस इसपे भी अर्निंग हो रही है इसे आप यूज कर रहे हो बट आपको इसके बारे में पता नहीं है इसलिए काफी ज्यादा अंडरेटेड है और अगर मैं कंपेयर करूँ इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक इस पर काफी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है इस पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी है बट इस ऑन कंपेयर टू तो स्नैपचैट यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है एंड अर्निंग ज्यादा है आपकी आप एक रिपोर्ट देख सकते हो यहाँ पे स्नैपचैट ने ढाई मिलियन डॉलर दिए हैं अपने बारह हजार क्रिएटर्स को मतलब का सच में ढाई मिलियन डॉलर विच इज अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन डॉलर स्नैपचैट ने अपने इन्फ्लुएंस

के लिए रील्स है यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स है एंड यू नो टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है वैसे ही स्नैपचैट के लिए स्पॉटलाइट है तो वैसे ही स्नैपचैट के स्पॉटलाइट पे आप अपने शॉर्ट लेंथ वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हो स्ट्रिक अपलोड कर सकते हो लेंसेज यूज कर सकते हो एंड जब आप वीडियो अपलोड करोगे उस पर आपके अच्छे व्यूज आएंगे तो आप इससे बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो और ऐसा भी मत सोचना कि बहुत ईजी आपने आज वीडियो डाल दी कल आपके दो लाख व्यूज आ गए तो आपके पैसे आ जाएंगे नहीं नहीं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स है कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अर्निंग करना तो चलो इस बात को ज्यादा घुमाते नहीं है मैं दो तरीके से आपको बताने वाली हूँ एक है अकाउंट क्राइटेरिया और दूसरा है क्रिएटर क्राइटेरिया ये गाइज अकाउंट और जो क्रिएटर का

करने ही है इससे कि आपकी जो वीडियो है वो स्पॉटलाइट स्पॉट पर और ज्यादा ग्रो करेगी और ज्यादा दिखेगी तो ये चीज अगर मैं आपको कहूँ थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अगर आप यूज़ करोगे तो आप काफ़ी ज्यादा अर्न कर सकते हो एंड इसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें विद इन लाइक एलिजिबिलिटी पीरियड में करना है लाइक आपको आप कह सकते हो कि एक महीने के अंदर आपको करना है अगर आप ऐसा करते हो एंड इसको अप्रूव कर देता है तो आपके चैनल जो है आपका जो अकाउंट है वो मोनोटाइज हो जाएगा एंड साथ साथ आपको इसमें पेमेंट मेथड भी एड करना होगा अब हम बात कर लेते हैं टर क्राइटेरिया क्या होता है टर का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो कम से कम सिक्सटीन का होना चाहिए यू नो सिक्सटीन प्लस होना चाहिए और वो कंट्री का लीगल रेजिडेंस होना चाहिए साथ साथ जो क्रेडर का अकाउंट है वो पब्लिक अकाउंट होना चाहिए अगर आपको पब्लिक अकाउंट करना नहीं आता है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी आपको बस कमेंट करना है मुझे बताना है कि अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी कि आप अपना अकाउंट पब्लिक कैसे कर सकते हैं स्नैपचैट पर तो हाँ आपका अकाउंट पब्लिक अकाउंट होना चाहिए एंड गाइज पब्लिक करने के बाद एटलीस्ट आपके पास वन थाउजेंड फॉलोअर्स होने चाहिए और गाइज मतलब यू नो ज्यादा नहीं बट वन तो होने ही चाहिए एंड 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 लास्ट में आपका जो अकाउंट है वो मतलब यू नो एट लीस्ट अगेन मैं यहां पे यूज करूंगी कि आपका जो अकाउंट है वो वन मंथ पुराना होना चाहिए ये नहीं कि आज क्या कल अर्निंग कर ली नहीं न मंथ पुराना होना ही चाहिए तो so गाइज ये बात थी क्रिएटर एंड अकाउंट का क्राइटेरिया अब हम बात करते हैं एक्चुअली कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो तो so, जब आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हो तो इसके बाद आपको अपने पेमेंट मेथड इसमें ऐड करना है अगर तो आपको ये ऐड करना नहीं आता है तो इसके लिए मैं वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगी आपके लिए कमेंट में मुझे बताना कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं ऑल्सो आप जब इतना कर लेते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपने स्पॉटलाइट पे वीडियोस अपलोड करनी है स्पॉटलाइट आपको पता होगा जब आप स्नैपचैट ओपन करते हो तो कॉर्नर में जो सिंबल आता है ट्राइंगलर का वो है स्पॉटलाइट वहां पे आपको वीडियो

वो आते जाएंगे और आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी जैसे कि आप इनसाइट पे देख सकते हो ये जो इनसाइट है वो पिछले एक महीने का इनसाइट है इस पर साढ़े तीन मिलियन व्यूज आए हैं यूट्यूब तो वाले इतना पेमेंट आपको नहीं करते हैं और जो कि मतलब एक मिलियन मतलब साढ़े तीन मिलियन व्यूज के इतने पैसे जो यूट्यूब वाले बिल्कुल भी पे नहीं करते सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो मैं आपको बस इतना कहूंगी कि अगर आप भी एक क्रिएटर हो या इन्फ्लुएंसर हो तो आप भी अर्निंग कर सकते हो बस आपको करना यही है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी है इनफैक्ट मेहनत क्या करनी है जो जैसे आप अपने इंस्टाग्राम पर डालते हो जो जैसे अपने शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर डालते हो आप वही सेम स्पच पर भी डालो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत होगी आपकी बट हाँ इससे आपकी जो अर्निंग है वो काफी ज्यादा हो सकती है तो गाइज तो आज इस वीडियो में से इतना ही मुझे उम्मीद है ये आज की इंटरेस्ट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी हेल्पफुल लगी होगी अगर आपके लिए कितनी भी हेल्पफुल रही अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू तो फॉलो मी ऑन माई इंटाग्राम चैनल